कलर्स टीवी लेकर आ रहा है अपना एक नया शो जिसका नाम है विद्या। एक ऐसा शो है जो पढ़ाई के साथ साथ हमको एंटरटेन भी करेगा। आज इसके लीड एक्टर नमिश तनेजा और इसमें लीड एक्ट्रेस की भूमिका में है मीरा, जो आज लखनऊ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का आज लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम, क्या कहना चाहेंगे अपने शो के लिए? जिस तरह से आपने पहले भी शोज किए हैं, अगर हम बात करते हैं उड़ान की, उससे कितना अलग है ये शो? ये उस शो से काफ़ी अलग है। ये एक अनपढ़ लड़की की कहानी है, उसके पढ़ने लिखने की जर्नी है और यही है। मैम, आप बहुत हाईली एजुकेटेड हैं जहाँ तक मुझे पता है, कॉन्वेंट में आप पढ़ी हुई हैं, तो लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं से ये जो रोल था आप पे सूट करने वाला है? हाँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और एक एक्टर का काम होता है कि उनके हाथ में जो रोल आए वो उसे उसमें ढल जाए और सूट हो उसको। और अगर मैं नहीं सूट होंगी तो आप लोग मुझे नहीं देखेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखो क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हो। और थोड़ा सा मैम अपने रोल के बारे में आप बताएं, जिस तरह से इसमें आपने अपनी बुक को भी उल्टा पकड़ा हुआ है और आप एप्पल को APPLE नहीं APIL बता रही हैं, और नाम भी आपका विद्या है बट आप इसके एकदम उल्टा हैं, इसमें थोड़ा सा इस रोल के बारे में कुछ बताएं। यही है, आपने ही बता दिया सब कुछ कि अनपढ़ लड़की है इसलिए वो बुक उल्टी पकड़ती है, इसीलिए APIL लिखती है, APPLE नहीं लिखती, और उसका नाम विद्या है। और ये रियल लाइफ बेस्ड है, हमारे शो के कुछ हमारे देश के कुछ जगहों से रिलेटेड है और हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है, लेकिन ये एक टेलीविज़न शो है तो ये इसमें काफ़ी ड्रामा होगा, काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा, तो आप बोर नहीं होंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा रहे नमिश तनेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा रोल है आपका आज? आप अपने गेटअप से भी सर DM लग रहे हैं, तो किस तरह का रोल है सर और कैसे एंटरटेन करेंगे सर? देखिए, जब विद्या के बारे में बात होती है तो लोग कहते हैं यार पढ़ाई पढ़ाई के नाम से लोग कहते हैं यार कि यार नींद आ रही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जो है ना वो लोगों तक पहुँचाना, और विद्या के थ्रू हम वो पहुँचाएंगे, विद्या यानी कि जो हमारी हीरोइन है, और जो मेरा कैरेक्टर है विवेक वरदान सिंह, उसके थ्रू हम शो के अंदर थोड़ा मस्ती लाएंगे, चाम लाएंगे, सही गलत फ़र्क बताएंगे और लोगों को हंसाएंगे, क्योंकि विद्या एक अपनी प्रॉब्लम है और लोगों को साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो विवेक है और एक दो और भी कैरेक्टर है हमारे शो में, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, नंकू जो मेन नेगेटिव है, मेन विलेन है, तो ये शो के दौरान हम ये सब चीज़ें लोगों को दिखाएंगे। सर, महेश पांडे इसके राइटर हैं, आई थिंक पहले भी वो कई शो आपके लिए लिख चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि मेरा पहला शो उन्होंने लिखा था, फिर उन्होंने मेरा सेकंड शो भी लिखा, जो लास्ट शो था मैं मायके से भी जाऊँगी वो भी उन्होंने लिखा, तो उनके ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट था कि वो अगर लिख रहे हैं तो ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने कैरेक्टर के बारे में पता किया कैसा है, तो वो थे। तो सबसे बड़ी USP यही है कि महेश पांडे जी इस शो में हैं, इसलिए मैं इस शो में हूँ। मीरा जी, लगता है कहीं ना कहीं से आपको जहाँ एक और सुपर नेचुरल पावर वाले शो आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ऐसा शो जो है वो लोगों को एंटरटेन भी करेगा? हाँ, क्योंकि ऐसे शोज़ कम बनते हैं जो लोगों के दिलों को छुए, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छुए, आम ज़िंदगी जो होती है हम सब की, कहीं ना कहीं उसमें कुछ अलग सा तड़का देकर। आप देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग कम हैं और अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, तो कनेक्ट ज़्यादा लोग कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी और नमिश जी R9 TV से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे नमिश तनेजा और मीरा, जो इसमें लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस की भूमिका में, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि ये एक ऐसा शो है जो बच्चों को शिक्षा तो देगा ही, साथ में आम पब्लिक का एंटरटेन भी करेगा। अब देखना ये है कि आम लोगों को ये शो कितना पसंद आता है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।